गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अप्लाइड केमिस्ट्री यूनिट वन फ्यूल पार्ट थ्री फ्यूल पार्ट वन में मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स पढ़ाया कलोरफिक वैल्यू जी सी बी एन सी बी नेक्स्ट क्लास में फ्यूल पार्ट टू में मैंने बॉम्ब्स कैलोरीमीटर पढ़ाया बॉम्ब्स कैलोरीमीटर की कंस्ट्रक्शन वर्किंग कैलकुलेशन एंड एग्जाम्पल्स नाउ फ्यूल पार्ट थ्री में वॉइस गैस कैलोरीमीटर इसका कंस्ट्रक्शन, कैलकुलेशन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पार्ट पार्ट और का दोनों का लिंक दे दूंगा दोनों के लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी जिससे तुम लोग आराम से देख सकते हो फ्यूल पार्ट थ्री वॉय गैस कैलोरीमीटर वट इज दलोमीटर वॉयस गैस कैलोरोस डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट कुछ भी बोल सकते हैं

in such a manner that the entire heat is absorbed by water. ठीक है सारी heat कहाँ पे transfer हो जाएगी water में. Entire heat is absorbed by water which is circulated in a chimney around the burner. From the volume of the gases fuel burn. The volume of water calculated from the volume of the gases fuel burn and volume of water calculated and rise of temperature and

ठीक है कॉन्स्ट्रक्शन में, में सारे पार्ट्स लिखने होते हैं जो इस अपर्टस के लिए शो होते हैं तो कॉन्स्ट्रक्शन नंबर वन इज द गैस बर्नर सेकेंड इज द कम्बस्टन चैम्बर ऑल्सो कॉल चिमनी थर्ड वन इज द थर्मामीटर एंड फोर्थ वन इज द कंटेनर्स एंड फिफ्थ इज द इंसुलेटेड चैम्बर ठीक है तो देयर इज द फाइव इंपॉर्टेंट पार्ट दैट आर असेंबल इन फॉर द वॉइस गैस कैलोरोमीटर नंबर वन इज द गैस बर्नर

कोइल्स एंड आउटसाइड ठीक है दोनों साइड पे इनसाइड भी और आउटसाइड भी है वाटर एट अ कांस्टेंट रेट एंटर्स एट द टॉप ऑफ द आउटर कॉइल ठीक है वाटर एट अ कांस्टेंट रेट एंटर्स एट द टॉप ऑफ द आउटर कॉइल पासेस थ्रू द आउटर कॉइल मूव्स टू द बॉटम ऑफ द चिमनी एंड देन मूव्स अवर्ड्स थ्रू द इनर कॉइल एंड एग्जिट फ्रॉम द टॉप ठीक है तो वाटर पहले आउटर क्वेल्स में आएगा फिर उसके बाद बॉटम ऑफ द द चिमनी में में आएगा, फिर इनर जाएगा, जाएगा। उसके बाद होके करके टॉप से निकल थर्मामीटर थर्मामीटर देयर टू T1 एंड T2, the the reading, T1 इज फॉर द इनिशियल रीडिंग एंड T2 टी टू टेंपरेचर के लिए एंड

है, इस और फिर ये देखो गैस बर्नर लगा हुआ यहाँ से हम काउंट कर लेंगे कितना वॉल्यूम गैस का यहाँ से निकला हुआ ठीक है

यहाँ मीटर दिया हुआ तो उससे वॉल्यूम उसका मेजर कर लेंगे कितना गैसेज फील्ड यहाँ पर बन होने के लिए यूज हुआ है ठीक है उसके बाद जैसे फील्ड यहाँ पे बन होना स्टार्ट करते हो यहाँ वाटर इनलेट है तो नोन अमाउंट ऑफ वाटर को हम यहाँ पे इनलेट से हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं फिर नोन अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे सर्कुलेटेड होता है और हीट भी बर्न होता है तो ये प्रोसेस पूरा 15 मिनट तक वार्मिंग के लिए जाती है तो ये आउटर क्वाइल कॉपर क्वाइल है इनर कॉपर कॉयल है ठीक है तो ये यहाँ पे पहले यहाँ पे आउटर से आएगा फिर पहले टॉप में जाएगा फिर बॉटम में फिर धीरे धीरे ऐसे ऊपर आके

अंदर वो है जितना वॉल्यूम को हमने नॉन अमाउंट ऑफ वाटर लिया है दैट इज कैपिटल w यहाँ से एंटर होगा एंड गैसेस लिक्विड फ्यूल बी मीटर क्यूब कितना वॉल्यूम ने इसको लिया है वो यहाँ पे इसको कैलकुलेशन पार्ट में हम इसको इस तरह डिस्कस करेंगे फॉलोइंग रीडिंग्स आर नोटेड व्हेन द कंडीशंस बिकम स्टेडी ठीक है वॉल्यूम ऑफ गैस बर्नड एट अ गिवन टेंपरेचर एंड प्रेशर इन द टाइम t दैट कन्वर्टेड इनटू एसटीपी एसटीपी मींस स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर

v मीटर क्यूब ठीक है तो वॉल्यूम ऑफ द गैस जो हमने कितना वॉल्यूम लिया नॉन अमाउंट में v मीटर क्यूब द वेट ऑफ वाटर पास थ्रू द कॉइल ड्यूरिंग द सेम टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल w इन kg द वेट ऑफ वाटर कंडेंस ड्यूरिंग दिस टाइम इज स्मॉल m टेंपरेचर ऑफ इनकमिंग वाटर t1 टेंपरेचर ऑफ आउटगोइंग वाटर t2 एंड राइजिंग टेंपरेचर एट टेंपरेचर डिफरेंस इज द t2 माइनस t1 क्रॉस कैलेक्ट्रिक वैल्यू इज सी ठीक है तो ये कंडेंस स्टीम स्मॉल डब एम बी ये कितना गैस है फिलो बी वाटर इनलेट डब्लू टी वन टेम्परेचर का टी टू टेम्परेचर का ठीक है इस तरह की सारी वैल्यूज को हम कैलकुलेट करेंगे तो हीट एब्जॉर्ब बाय सर्कुलेटेड वाटर हीट एब्जॉर्ब बाय सर्कुलेटेड वाटर जो मैंने पिछली क्लास में बताया था एम थीटा एम डेल्टा टी यानी एम

तो हम दोनों को हमने हीट तो हीट को हीट तो हीट को को यानी एंड दोनों हमने यहाँ पर लगा दिया वैल्यू यानी कि जीसीबी हमारा कितना निकल के ये मेन फॉर्मूला हमारे निकल के आया जीसी बी किलो कैलोरी पर मीटर यूनिट

Now first to numerically during the determination of calorific value of gaseous fuel by wise calorimeter of the following results were obtained. Volume of gaseous fuel burned at ATP is the 0.098 meter cube. ठीक है? Gaseous fuel यानी कि V ये capital V हो गया 0.098 meter cube. Weight of water heated कितना water का weight लिया 50 kg ये capital W है. And weight of steam condensed 0.05 is the small m. Temperature of incoming water T1, temperature of outgoing water T2. Now calculate the GCB and NCB. तो so, GCB is equal to W T2 minus T1 upon m. सभी की values दी हैं, तो सभी की value को put करके direct question को निकाल लेंगे। तो GCB is equal to कितना आया? 1.0408.2 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब

ठीक है तो हम एंड बोथ आर कैलकुलेट फ्रॉम दिस फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है न्यूमेरिकल बहुत ईजी है आराम से हो जाता है कोई दिक्कत नहीं होती है ठीक है एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो इजिली हो जाएगा क्योंकि मैंने इसमें छह सात क्वेश्चन लिए प्रैक्टिस के लिए इतना भी करोगे तो सफिशियंट है आपके मार्क्स के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कैलकुलेट द ग्रॉस एंड नेट कैलोफ्रिक वैल्यू ऑफ गैसियस फ्यूल ऑफ द फॉलोइंग डाटा वॉल्यूम ऑफ फ्यूल एट एस टीपी पॉइंट जीरो Weight of water used for cooling 25 kg. Temperature of inlet water is 25 degree centigrade T1. Temperature of outlet water is the 30 degree centigrade T2. And water produced by steam condensation. This is the small m 0 0.02 kg. The latent heat of steam is the 587. So the values given a GCV and N C V we can calculate. इन ए वॉइस गैस कैलोरीमीटर तो हमें सभी चीज गिवेन है तो W को हमने यहाँ लिख लिया T2 लिख लिया देन T1 लिख लिया देन V लिख लिया ठीक है वॉल्यूम तो इन वॉइस गैस कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट GCB सी बी इक्वल टू डब्ल्यू टी माइनस टी वन बी किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब वैल्यू को पुट कर देंगे 25 30 थर्टी माइनस ट्वेंटी देन जी कितना आया वन थ्री किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब इट इज जी

तो ये हमारा एन कितना निकल के आया वन टू फाइव किलो कैलोरी पर मीटर की इट इज हमारा दिस इज एनसीबी। ठीक है तो वी कैन कैलकुलेट जीसीबी एंड एन फ्रॉम दिस डाटा इट इज वेरी इजी नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री इस क्वेश्चन को ये डुलोंग फॉर्मूला पे बेस्ड है इस क्वेश्चन को हम लास्ट में भी डिस्कस कर लेंगे ठीक है डुलोंग फॉर्मूला पे बेस्ड है बेस्ड अपॉन द डुलोंग फार्मूला ठीक है इसको हम लास्ट में भी डिस्कस करेंगे इसको डुलोंग फार्मूला को अभी हम बताएंगे पहले फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे ठीक है बेस्ड अपॉन द डुलोंग तो डिलोंग फार्मूला को भी बता दूंगी उसके बाद इसको डिस्कस कर लेंगे ठीक तो, है तो डिलोंग फार्मूला पे ये बेस्ड है तो डुलग फार्मूला में मैं एक थियोरेटिकल वैल्यू दी होती है उसको हमें लिखना होता है किस तरह हमने किया हुआ है ठीक है इसको अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे डुलोंग फार्मूला है थियोरेटिकल कैलकुलेशन ऑफ कैलोफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल बाय डेलोंग्स फॉर ठीक है थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है इसमें कोई भी अपार्टस नहीं कुछ नहीं तो इसमें क्या आता है मैं कैलोफिक वैल्यू को हम निकालते कल कार्बन की कैलोफिक वैल्यू फिक्स्ड है 8080 हाइड्रोजन की कैलोफिक वैल्यू फिक्स्ड है एंड सल्फर की कैलोफिक वैल्यू फिक्स है इस वैल्यूज को हम पुट करके एससीबी इज इक्वल टू यानी एससीबी या जीसीबी इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 8080 परसेंटेज ऑफ कार्बन सीएम इज परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस थ्री फोर फाइव जीरो जीरो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन माइनस ऑक्सीजन अपॉन एट ठीक है तो यहाँ पे ओ बाय एट का मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल के लिए एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है और वन बाई एट पार्ट वाटर निकलता है ठीक है ऑक्सीजन के एट बाई ओ बाई एट लिखते हैं इसको प्लस सल्फर किलो कैलोरी किलो पर किलोग्राम एल इज इक्वल टू एस सी बी

फॉलोइ कम्पोजिशन कार्बन का परसेंटेजना में केवल जो वैल्यूज पुट करनी उन्हीं वैल्यूज का ध्यान रखना सी की वैल्यू को put कर देंगे थ्री फोर फाइव जीरो हाइड्रोजन माइनस ओ अपॉन एक्स हाइड्रोजन की ऑक्सीजन का परसेंटेज प्लस टू टू फोर जीरो सल्फर का सभी की वैल्यू पुट करने के बाद एस सी बी और जीसीबी इक्वल टू ये निकल के आएगा किलोग्राम एल सी बी निकालने के लिए सेम फॉर्मूला है एस सी बी जिकल टू माइनस नाइन अपॉन हंड्रेड एच इंटू फाइव एट सेवन इसको लिख सकते हैं बच्चों कभी मिस्टेक मत करना ये तुम लोग वेरीफाई कर सकते हो चेक कर सकते कैलोरीफिक वैल्यू इज दायर देन द लोअर कैलोरफिक वैल्यू ठीक है तो हायर कैलोरफिक वैल्यू हाई होगी लोअर कैलोरीफिक वैल्यू लो होगी कभी ज्यादा नहीं आनी चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन ए सैंपल ऑफ कोल हैज फॉलोइंग कंपोजिशन बाय मास सी कार्बन का परसेंटेज 70 परसेंट ऑक्सीजन का 8 परसेंट हाइड्रोजन का 10 परसेंट एंड नाइट्रोजन का 3 और सल्फर 2 ठीक है तो हमें इसमें नाइट्रोजन और एस को नहीं लेना है ठीक है कैलकुलेट एस सी बी एंड एल सी बी डू यूजिंग डूलॉन्ग फॉर्मूला तो एस सी बी इक्वल टू वन बाई हंड्रेड का सी

कैलकुलेट दीसीवी एंड एनसीवी फॉर इट फॉलोइंग कम्पोजिशन बाई वेट ठीक है बाई द डूलॉन्ग फॉर्मूला लिख दिया था इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो ये ध्यान रखना तुम लोग मतलब इसको इसमें मैंने सिक्स क्वेश्चन है one, two, three, four, five, के पार्ट में लिखा है वो कोई भी पार्ट पूछ सकते हैं तो कार्बन का परसेंटेज दिया ऑक्सीजन का दिया सल्फर के दिया, का दिया, दिया नाइट्रोजन का दिया एस का दिया हाइड्रोजन की जगह रेस्ट लिखा है हाइड्रोजन का परसेंटेज नहीं दिया निकालना है 75% कार्बन दिया ऑक्सीजन दिया सल्फर नहीं दिया सल्फर को भी निकालना है तो एक एक जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को अलग से सॉल्व करेंगे फिर सेकंड क्वेश्चन अलग सॉल्व करेंगे अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्म में थर्ड क्वेश्चन में हमारा सल्फर अगेन नहीं दिया उसको निकालना है फोर्थ क्वेश्चन में हाइड्रोजन नहीं दिया तो उसको भी निकालना है उसको भी फाइंड आउट करना है कितना परसेंटेज हाइड्रोजन है फिफ्थ क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है तो हमें जीसीबी और एनसीबी निकालना है ठीक है पहले परसेंटेज निकालना है और जीसीबी और एनसीबी निकालना है और सिक्स क्वेश्चन में भी नहीं दिया हमें ऑक्सीजन निकालना है फिर जीसीबी और एनसीबी निकालना है ठीक है इसी तरह पहले हम उस परसेंटेज निकालेंगे।, निकालेंगे तो जीसीबी और एनसीबी कुछ भी नहीं दियाबील टू वन अपॉन हंड्रेड एट जीरो को याद रखना बच्चों थ्री फोर फाइव जीरो जीरो हाइड्रोजन माइनस ऑक्सीजन अपॉन एट टू टू फोर जीरो सल्फर एनसीबीजल टू जीसीबी माइनस पॉइंट जीरो फॉर्मूला है इसको बहुत ज्यादा ध्यान रखना परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस सल्फर प्लस एस प्लस ऑक्सीजन जितने भी कॉन्स्टिट्रेंट है फ्यूल के कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फर एश इनका टोटल ओवरऑल परसेंटेज क्या होता है हंड्रेड तो जिसका भी मैं परसेंटेज नहीं दिया तो हम ये लिख के उसको परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है ये फॉर्मूला में बहुत ध्यान रखना कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फर प्लस एश ठीक है ऊपर वाले फॉर्मूला हमने कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर लिया यहाँ पे नाइट्रोजन और एश को भी लिखेंगे ठीक है टोटल, कर, टोटल का टोटल कंस्टिटेंट का परसेंटेज कितना है हंड्रेड परसेंट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए वही फार्मूला 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन एंड एश क्योंकि हमें हाइड्रोजन का परसेंटेज नहीं दिया तो हम 100 में से उसको इन सबको को टोटल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन का परसेंटेज निकल आएगा तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना निकल का है नाइन इस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को हम जीसीबी में जीसीबी का जो फॉर्मूला है उसमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन यहां पर लिखते हैं उसको जीसीबी को कैलकुलेट लेंगे वेरी इजी एंड एनसीबी तो डायरेक्ट जीसीबी की वैल्यू पुट करने के बाद पॉइंट कर तो जीरो करने, करने के बाद हम एनसीबी निकालेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया सेकेंड क्वेश्चन में हमें सल्फर का परसेंटेज नहीं गिवन है

तो परसेंटेज ऑफ कार्बन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन सल्फर एश ठीक है ऑक्सीजन इन सभी का परसेंटेज कितना होता है हंड्रेड तो हंड्रेड में से उसको माइनस कर देंगे जीसीबी एंड एनसीबी वेरी इजिली ठीक है उसके बाद हम जीसीबी और एनसीबी को कैलकुलेट करेंगे नाउ जो क्वेश्चन मैंने अभी लास्ट स्लाइड में छोड़ा था डुलोंग फॉर्मूला करके वो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ ठीक है वो क्वेश्चन वहां पे पेस्ट हो गया था अब यहाँ पे डिस्कस करें रहे कोल हैज द फॉलोइंग And is कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला जिसमें एनसीबी की वैल्यू गिविन हो ठीक है लोअर कैलोफिक वैल्यू या नेट कैलोर वैल्यू इसी में गिविन है ठीक है ठीक है तो हम इसको दो तरह से कर सकते हैं इन सभी को सम करके हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल सकते हैं तो फिर हम जीसीबी भी निकाल लेंगे ठीक है एनसीबी दिया हुआ तो है जीसीबी आराम से निकाल लेंगे उस तरह से भी कर सकते हैं फर्स्ट मेथड हम लगा सकते हैं जो अभी हमने निकाला परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और इसका दूसरा मेथड क्या है ये हम हाइड्रोजन को इसी तरह छोड़ देंगे ठीक है अब हाइड्रोजन को छोड़ने के बाद ये सभी की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पर हम थ्री फोर फाइव एच लिखा है इसको करने के बाद पर निकल एस सी बीजिकल टू इक्वेशन नंबर वन ऑल्सो एस सी इक्वल टू दूसरा एल सी बी क्या है एन सी बी देखो एल सी बीजल टू क्या होता है

ठीक है तो इस तरह 5283h और 345h इन दोनों ये इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर दो को हम रिलेट करेंगे आपस में फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू तो इधर दोनों को कोरिलेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू तो टू नाइन टू इक्वल टू इतना किलोग्राम ठीक है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू टू

प्लस इतना हाइड्रोजन करने के बाद इतना करने बाद, का के, के बाद हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल के लिखने के बाद यहाँ डायरेक्ट एस सी बी निकाल दिया कितना आ गया ठीक है इस तरह हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं ठीक है एनसीबी दिया है तुमने एनसीबी को निकाल दिया नेक्स्ट क्लास में हम बेटा डिस्कस करेंगे क्रैकिंग वो फ्यूल का पार्ट फोर होगा लेक्चर फोर होगा आप लोगों को कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं गुड लक बच्चों हैव ए नाइस डे